वशत कना गुरी राज का सानी उश्ती अपा दुशे जी पीशन चुके मगा पुत्रान कहने गए थे डेंगी अमा बीमारी है और नादराई वाले का पुत्रान कहने गए थे पर से के ये बीमारी निपास फैलेता पूरा पाकिस्तान है तो का फैलेता सूबा सिंध बिचा बलूचिस्तान बिचा ऐसा जो केसेस बाज आ मर्दमानी के मर्दम बीमारी से शिकार बीते और चे पैम होती ख्याल बेकना असि डॉक्टर रुखसान रियाज में कर रिश्ता आ मर्दमा एहतियाती मजो तदाबीर आए ना सोच देगा कि चूँ मर्दम होती ख्याल बेका अमा टीमा डेंगी अलामत तर महसूस भी चूँकि पदा मगोशे डेंगी अलामत ऐसा कि सर दर्द स्टार्ट भी जोड़ा नहीं दर्द स्टार्ट भी चम्मा नहीं पुश्त दर्द करना शुरू बयान थे और ती पूरा जिसम थी पूरा बॉडी अस्ती दर्द महसूस बीते घोड़ा इसी मतलब भी तरह डेंगी अलामत अमदा चाहर बह गया कि तरह डेंगी बितकं की तरह वारता मच्छर और इसी चो ख्याल करना ग्लूटी ये मच्छर अस्ते चूंकि मैं डॉक्टर साहब में डिस्कस कर गया था कि एक फीमेल बजा जालबोली मच्छर है जालबोली मच्छर बाज डंग के जहाँ वारते मर्दों नुकसान बितकुत का और ये अस्ते ये हमारा जो मर्दे नहीं मच्छर है शी आई तो कही जरासी माने के जाल बोले तो का मारन थे कोड़ा ए अस्ते बास खतरनाक भी जाल बोले ची वितुट से जनी आदमी अच्छे रही खुशी और सफाई बास पसंद है चूंकि जने कहते हैं ना कि फीमेल को सफाई ज्यादा पसंद है इसलिए मच्छर को भी सफाई ज्यादा पसंद है तो बहरहाल साफ सुथरे यहाँ पे सर मच्छर रहो निंदित थी डेंगी और उश्तात के आप अपनी और बीता पूरा पाकिस्तान तहा और रंद आप जो उश्तित थे अमाई सर मच्छर रहो गिश्तर निंदी और गेस्तर नींदी ए फजर टाइम में मर्द हमारा वाड़ते और असर टाइम में वाड़ते दो टाइम में मच्छर वाड़ते और ए मच्छर वर्गा रन स्टार्ट है तरह तप गिरक शुरू भी सर दर्द शुरू भी और वाइट सेल से जिसमें हमारा जो स्पेती होने आस्ते कम बैक शुरू बीते तो इसी लाते लोगे भी टोटका आस्ता मर्दम अक्सर आजमाइन तक लूगी टोटका बीमारी वास्ता भले कि तबियत गिश्तर खराब बीता गुड़ा मर्दम से तुगा डॉक्टर के रुजू कूद गए तो माँ गोशा डॉक्टर के रिश्मो अवली की फुर्सत बुरुए था इलाज वास्ता और बाकी टोटके हैं वती दरमान है शाना रंदा यूज बेकने था पेश तरश में फर्स्ट कोई डॉक्टरी के बुरुए था वो मशवरा भी दे रहा था रवि डॉक्टर रुखसान रियाज के पता थी गपुत राना ना कंटिन्यू करी जी डॉक्टर साहबा जी बात कर रहे थे एहतियाती तदाबीर के हवाले से और ये जो घरेलू टोटके भी यूज करते हैं ना एग्जैक्टली पपीते का जो बिल्कुल मेरे पास मरीज आते हैं और मरीज मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम पपीते का जूस पी लें बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले मुझे भी नहीं पता था इस बारे में क्योंकि ज़ाहिर है हमारी मेडिकल बुक्स में इन चीज़ों के बारे में आज सच नहीं लिखा होता लेकिन मैंने फिर देखा और पढ़ा कि इस पर रिसर्च हुई है बाकायदा इसमें एक एंजाइम होता है जिसे पपेन और काइमोप्रोपेन कहते हैं ये एंजाइम जो है वो प्लेटलेट्स बढ़ाता है आपकी बॉडी में डाइजेशन कराता है में हेल्प करता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाता है तो हेल्पफुल है लेकिन अब ये नहीं है कि आईसीयू में मरीज लेटा हुआ है तो हम प्लेटलेट्स की वजह से पपीते का जो इसकी मतलब आप इसको एज एन एडिटिव यूज़ कर सकते हैं मगर ये जो है ना अगर खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई और प्लेटलेट्स बहुत कम ज़्यादा कम हो गए अच्छा प्लेटलेट्स वो जिस्म में खून का हिस्सा है जो खून जमाने में मदद करते हैं जैसे ही आपको चोट लगती है प्लेटलेट्स जो हैं वहाँ के स्टक होते हैं प्लग बनाते हैं और उस वूंड को क्लोज करते हैं और ब्लीडिंग को बंद कर देते हैं इसमें बेसिकली यही होता है कि आपकी जो है वो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं अब प्लेटलेट्स नॉर्मली 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है इसमें प्लेटलेट्स गिरना शुरू होते हैं मतलब अगर 1 लाख तक है तो मतलब पेशेंट स्टेबल है फिर अगर वो फिर हम इसको सीरियल अब जो हॉस्पिटल एडमिशन होता है ना बेसिकली होता ही इसलिए कि हमने मॉनिटरिंग करनी होती है कि वो सेफ हैंड्स में रहे और जैसे ही प्लेटलेट्स कम हो तो हम उन्हें प्लेटलेट्स लगाते हैं या FFPs जो है वो लगाते हैं ताकि उनको ब्लीडिंग ना हो बहुत ज़्यादा और अगर खुदा ना खास्ता होती है तो कंट्रोल कर सकें तो अगर 20,000 से कम हो जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा हम ICU और इस तरह मॉनिटरिंग करते हैं या हमने जो मुर्शिद में स्पेशल वार्ड बनाया है हम उधर भेज देते हैं फिर उसके बाद 10,000 से अगर वो कम होगा तो फिर हम उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो डिपेंड करता है कि कैटेगरी कौन सी है पेशेंट कहाँ पे है पेशेंट किस साइड पे अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आप ज़रूर उसको जूसेस पिलाएं इसके अलावा कहते हैं कीवी का जूस पीने से इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका अल्टीमेटली आपकी सेल लाइन को बेहतर करती हैं और गुलराज चूँकि डॉक्टर साहब गोश्त के ची कनक लूटी नहीं मशवरा कहूँ बलूची था गोशा
शी अमा जो शिन्जे अमा सब्जी बयानते ग्रीन कलर है शिन्स कलर है बयानते आया ना गिश्तरी यूज पे कने था ईशांची अस्तिती बीमारी है बितका को अमेरिका तो कमजोरी महसूस बीते आई बेहतरीत खुद कनते और ये बीमारी लगेगा रन चूंकि गोशा के पपीता यानी पपिया अमा जो ताक बीते अमाई जूस कशा आई हम आप अरसा कशन थे अमाई वारी ना मरीजा रहा हमा मरीजा के आंगा वो थी पादा नहीं सर है अमा मरीज ना कि एकदम ए रे एच कोत न कनते आई तो फौरन मर्दम डॉक्टर के रबे बाढ़ते और ये इलाज शुरू भी कनते पर चके ए इलाज पाकिस्तान तहा नी मतलब ओशा हस्ते हर जगह हॉस्पिटल था और बिच्चे जगह भी एक बीमारी बीता कि आई मर्दमा ना बास गेता नहीं जैना सी दर्द का भी अक्सर हमें पाद दर्द गेता बीता जैना दर्द पर ची नाम थी ये मर्दमा ना गेते गे पर अड दर्द और सर दर्द अमा बीमारी कहते स्टार्ट कहीं इट्स मीन के तो कमजोरी ने वगैरह शुरू भी है ये थी अमा ताकत आगे इश्तर थी पाद दर्द सरीन दर्द दस्त दर्द तो इच मा तो ये सारे माजूर वे तो इच कुत ना करें तो बहरहाल ये पैमे बीमारी नहीं वस्ता वो तेरी पैर से ख्याल बिकने वो तेरा अमिचो बिकने था शर अमिचो शारी गजा बेवर था कि बीमारी तो सारा अटैक करते पर कम से कम तेरी दुकान में सग भी बीते और ये बीमारी नहीं सर्दी मौसम पैदा के गर्मी सर्दी चेंज पै गया तो ये टेमा ही बाज गिरे थे तो ये दो ही टेमा ना कम की ख्याल बिकने था और ख़ास तौर पर चुक्का नहीं ख्याल बिकने था गुंडी चुक्का और मजन उमाना ना ये बीमारी की इशतर लगे खुद कंती देंगी तो बहरहाल मैं पता रहा डॉक्टर कह रहा जो उसका ये बीमारी हुआ लग गई इसे अभी दूमी बीमारी इससे मलेरिया है मैं डेंगी और मलेरिया फ़र्क का नजर आने कि डेंगी चाहिए और मलेरिया चाहिए डॉक्टर साहब हम ये नहीं मतलब जान सकते कि डेंगी क्या है और मलेरिया क्या है दोनों मच्छर की बीमारियाँ हैं लेकिन क्या फ़र्क इन दोनों में देखिए हमारे यहाँ जो बीमारियाँ पैदा करने वाले एजेंट्स होते हैं ना वो वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट्स ये होते हैं ठीक है मोस्टली ये होते फंगस बहुत सारे और भी इनकी हम मतलब मेडिकली कैटेगराइज किया हुआ है इनको जो डेंगी है वो वायरल डिजीज़ है ठीक है बताया मैंने कि एडीज इजिप्टाई एक वायरस है जो मच्छर है जो ये वायरस कैरी करता है और फिर इंसान में मुंतकिल करता है एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करता है अच्छा बाय द वे ह्यूमन से ह्यूमन यानी इंसान से इंसान में ये बीमारी खाने पीने से बैठने से नहीं जाएगी बीच में ट्रांसपोर्टर चाहिए मच्छर ठीक है जो मलेरिया है वो पैरासिटिक है उसके पैरासाइट का नाम प्लाज्मोडियम है ठीक है उसकी भी चार डिफरेंट टाइप्स हैं ओवेल है मलेरिया है वाइवैक्स है और आपका प्लाज्मोडियम सेरिब्रल मलेरिया जिसको हम कहते हैं फेल्सी पैरम है जो सबसे ख़तरनाक होता है मलेरिया में तो एक तो जो जर्म है वो डिफरेंट है वो वायरल है ये पैरासाइट है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं ठीक है उसकी चार डिफरेंट टाइप्स हैं साइन सिम्टम्स मलेरिया के ऑलमोस्ट वही होते हैं बस बुखार 104 और इस तरह इसमें भी होता है सर्दी बहुत लगती है इसमें भी प्लेटलेट्स कम होते हैं ऑलमोस्ट साइन सिम्टम्स वही हैं इसके भी ठीक है और कॉम्प्लिकेशन फिर दोनों की थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं उसमें हेमरेजिक फीवर बहुत ज़्यादा है और इसमें फिर आप सेरिब्रल मलेरिया जिसे दिमाग का बुखार कहते हैं एडिमा हो जाता है ब्रेन का इसमें फिट्स झटके लगते हैं मरीज सारी ज़िंदगी के लिए अगर वो आप उसको कंट्रोल ना करें तो सारी ज़िंदगी के लिए जहनी माजूर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है दोनों में अगर आप उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो डेथ हो जाएगी और जब ये बीमारी अपने पूरी प्रोग्रेस करती है तो फिर ये डिफरेंट बॉडी के सेप्टिसीमिया में पेशेंट जाता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन फेलियर होना शुरू होता है दोनों में और गुलराज उसके डॉक्टर साहब वो बीमारी हवाले गप जन गया था नादरीनी हवाले गप जन गया था एक सेहतमंदी इंसान ही दुरुस्ती चीज़ों को का और ये बीमारी ऐसे आम आनी फैले तगा पूरा पाकिस्तानी तो का तो ईशानी मेडिसन ईशानी दवा दोनों हालत गांजता आया तो ये चीज़ा ना मरदों कमो बस ख्याल बेकनते बहरहाल मैं एक सेहतमंद जिंदगी कम की रूटीन है डॉक्टर साहब जी जिसका ना कि एक हेल्दी जिंदगी वास्ता मरदों की रूटीन चाहिए साहब एर करने की रूटीन के मर्दों की वरगा होती नाश्ता या वती निंदक पादाएगा वॉक करने का चाहिए साहब एर बेका पर सके एक डॉक्टर ही तरह बेहतर मशवरा दात खुद करते कि तो होती हेल्दी लाइफ है वास्ता चाहिए करने लूटे अच्छा एक सेहतमंद जिंदगी के लिए डॉक्टर साहबा क्या करना चाहिए हमें अपने डाइट के हवाले से या ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से जो मतलब पूरा घर देखती हैं तो क्या वो रूटीन रखें बेसिकली आपकी लाइफ में आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए चाहे वो दिल की बीमारियां हैं चाहे वो
जो है वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आप अपनी डाइट पे नज़र रखें, माएँ स्पेशली कि वो ये ना करें कि बच्चे ने बचाया तो मैं ये ज़ाया ना हो तो ये भी खा लूँ, मतलब अपना पोर्शन अपनी खाने पे नज़र रखें कि मैंने कितना खाना है और कितना मेरे लिए वेट बढ़ना शुरू हो। उससे पहले ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है कि आप 30 मिनट्स वॉक करें और कुछ नहीं कर, ज़रूरी नहीं है कि जिम जाके एक्सरसाइज करें और वो, और फीमेल्स को मोस्टली ये होता है कि हमने घर के काम कर लिए तो एक्सरसाइज हो गई, ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज का एक जो है पेस होता है कि आपने अगर 30 मिनट्स वॉक की है तो आप इतना कदम इतने हों आपके कि आपका सांस फूले, जो कार्डियो कहते हैं ना हम, उसमें यही होता है कि आपका सांस फूले, स्वेट करें आप, आप स्वेट, आप एसी में बैठ के काम करें, पंखे चलाए हुए तो वो आपकी कैलोरीज एज सच बर्न, जब आप स्वेट करना शुरू होते हैं ना तो उस पॉइंट पे आपकी कैलोरीज बर्न होना शुरू होते हैं। तो डाइट पे नज़र रखें अपना, जो है वो कोशिश करें कि वाइट्स को अपनी उससे निकालें, चाहे वो वाइट राइस हो, सफ़ेद आटा हो, चक्की का आटा इस्तेमाल करें, भूसी वाला जिसको बोलते हैं वो इस्तेमाल करें, वाइट राइस को निकालें, शुगर, वाइट शुगर बिल्कुल छोड़ दें, ज़िंदगी से निकाल दें। मैदा, फाइन चीज़ें, मतलब मैदा हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, जो फूड आपको मिलते हैं केन फूड उसमें आप प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो निकाल दें, स्वीट्स, बेकरी की चीज़ें। देखिए वंस इन अ वीक आप एक चीट डे रख सकते हैं, उसमें भी ये नहीं कि आपने इतना खा लिया कि पूरा हफ्ता आप उसके असरात में रहें। अपनी, हर बंदे को पता होता है कि उसकी जो है ना वो एंड क्या है, ठीक है ना, तो वेट के हिसाब से अगर कोई नॉर्मल वेट पे तो वो जरा ज्यादा चीट डे मना, तो ज्यादा ही होता है ना ये वहम होता है कि वेट हमारा गेन हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल, और वो मतलब ताकत वाली चीजें छोड़ देती है। मतलब डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि खाना पीना आप छोड़ दें, आप लेकिन हमारे जहन में ये बैठा हुआ है कि हमने बस डाइटिंग, अगर हम डाइटिंग करना चाहते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल, जो लोग खाना पीना छोड़ते हैं ना उसमें ये होता है कि आपके मसल्स के बाद आप, मतलब आपके मसल टूटना शुरू हो जाते हैं, और ऑब्वियसली आपने काम करने, आपको एनर्जी भी तो चाहिए, आप ऐसी चीज़ें खाएं जो हेल्दी हों और फिलिंग वाले इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक आप दलिया खा सकते हैं पानी में बना के, क्रीम उतार के आप दूध पी लें, आप जो है वो अगर आपको खाना रोटी सालन पसंद है तो रोटी का पोर्शन कम कर दें, थोड़ी सैलेड ऐड कर लें आप बीच में, आप सिर्फ, लेकिन हम खाने के लिए अगर बैठ जाते हैं रुखसाना हमें ज्यादातर ये आप देखें बलोचों में और पंजाबियों में एक रिवायत भी है ना, जितना लंबा दस्तरखान हो इतनी मतलब ज्यादा वो होती है ना एक सोच के हमारी कि दस्तरखान हमारा बहुत ज्यादा वसीम है, ज्यादा अब ट्रेंड चेंज हो रहा है अब जो हमारी न्यू जनरेशन। अच्छा, इसमें भी ये है कि आप फोबिक ना हो, कि ये फोबिया ना पालें आप अपने जहन में, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप जीरो साइज नहीं भी है तो चलेगा, मतलब हर बंदा जीरो साइज नहीं हो सकता, हर एक का अपना बॉडी बीएमआई जिसको बॉडी मास इंडेक्स है, जो उसकी हाइट और वेट के हिसाब से हम निकालते हैं, तो अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो उसका वेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जीरो साइज पे नहीं आना, हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने का मतलब ये कि आप जैसे हम बीएमआई, मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी मास इंडेक्स होता है जो आप निकालते हैं आप वेट और हाइट से, ठीक है, 18 to 24.9 जो है वो आपका आता है नॉर्मल, फिर 24 to 29 जो है ओवरवेट है, फिर 34 तक जो है वो ओबीस और वेरी ओबीस, अगर फिर वो 40 पे चले जाते हैं गोली चारों के ब्रेक ही जीरे चुके वो वेट वाले का पाई बस टेंशन भी जाल बोला ना कहनी वेट अस्ती गेन का कम की वजन नहीं गीश भी और आवती वरगे हल्दे चिक्का नुकसान बयान स्किन खराब बित को मिदन सर असर बित को तो बहरहाल मई हवाले भी गपुतराना होती मजीद कंटिन्यू करनी एक ब्रेक ही जीरे पता कहीं साड़ी भी इस तरह गपुतराना होती मराशता करें मैं घुमा बेता